नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल रेयर फैक्ट्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में। जी हां, रानी लक्ष्मीबाई मराठा शासित झांसी की रानी और भारत की स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम वनिता थी। भारत को दासता से मुक्त कराने के लिए सन 1857 में उन्होंने बहुत बड़ा प्रयास किया था। इन्होंने मात्र 23 वर्ष की आयु में अंग्रेज साम्राज्य की सेना से संग्राम किया और रण क्षेत्र में वीर गति प्राप्त की, किंतु जीते जी अंग्रेजों को अपनी झांसी पर कब्जा नहीं करने दिया। चलिए दोस्तों, आज हम इन्हीं वीरांगना के बारे में जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बातें करेंगे। रानी लक्ष्मीबाई जी का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मणिकर्णिका था, पर घर परिवार वाले इन्हें स्नेह से मनु पुकारते थे। इनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे तथा माता का नाम भागीरथी बाई था। इनके पिता एक साधारण ब्राह्मण और अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के सेवक थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई सन 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना थी। उन्होंने मात्र 23 वर्ष की आयु में अंग्रेज साम्राज्य की सेना से लोहा लिया था। लक्ष्मीबाई जी का विवाह सन 1842 में झांसी के राजा गंगाधर राव निवालकर के साथ हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई ने एक स्वयंसेवक सेना का गठन आरंभ किया था। इस सेना में महिलाओं की भर्ती भी की गई और उन्हें युद्ध प्रशिक्षण भी दिया गया था। झांसी 1857 के संग्राम का एक प्रमुख केंद्र बन गया, जहां हिंसा भड़क उठी थी। 1857 के सितंबर तथा अक्टूबर के महीनों में पड़ोसी राज्य ओरछा तथा दतिया के राजाओं ने झांसी पर आक्रमण कर दिया था। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में ब्रिटिश सेना से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई जी वीरगति को प्राप्त हो गई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो में बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।